Quem saber tudo nem todo dia. ये मेरा दिल चीख जाए क्यों गए हो पराए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सीनियर से फिलहाल टाइम हो चुका भाई 12 बज चुके हैं एंड लिटरली गाइस हम ना 9:30 के आसपास ना रूम पे आ गए थे। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया है, नहा धो के मस्त रेडी हो चुके हैं एंड ये भी रेडी हो चुके हैं भाई। साहिल भाई को देखो आज ये लुक भाई, वहाँ पर गोरी पग बांध रहे हैं एंड जिन्हें भाई अपने यहाँ आए भाई। सो मैं लास्ट वाले ब्लॉग में कहा था कि आपको मैं ना इस वाले ब्लॉग में ना रूम टूर दूंगा। सो चलो शुरू करते हैं गाइज। मैं आपको बता दूं हमारा ना ग्राउंड फ्लोर पे है भाई रूम। सो ऐसे कुछ स्टार्टिंग है भाई, अंदर से कुछ ऐसा है देख सकते हो गाइज आप, सामने भाई एलईडी है ऐसा कोई, फ्रंट से कुछ ऐसा है। ये मेरा बैग यहाँ पर है एंड वो भाई ड्रेसिंग टेबल जैसा कुछ है, शीशा लगा भाई यहाँ पे, हमने बाल वगैरह बनाए हैं। सामने एसी है, अलमारी है, सोने के लिए बेड है भाई एंड बस ऐसा कुछ है देख सकते हो आप भाई। बाथरूम दिखाता हूँ आपको मैं, और भाई ऐसा कुछ बाथरूम है यार, काफ़ी अच्छा है भाई जैसे आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट छोटा सा रूम था, रूम टूर हो चुके हैं। तो चलो भाई ऑलमोस्ट हम ना रेडी हैं भाई निकलने के लिए। लेटरली ना गाइस सबसे पहले आया गूरी, उसके बाद जीना, फिर साहिल, फिर मैं लास्ट में आया बिकॉज मैं ना ब्लॉग एडिटिंग कर रहा था। सो उसके लिए मेरे को ना काफ़ी टाइम लगा। तो मैं सभी रेडी हो चुके हैं, बस अभी ना गूरी भाई का वेट है, ये पग बांध ले फिर निकलते हैं और देखते हैं भाई क्या रहेगा। बाकी हम यहाँ से निकलेंगे भाई माथा टेकने के लिए गोल्डन टेम्पल में, जो कहते हैं जन्नत, एक स्वर्ग जैसा चीज़ है जो उसको भाई आंखों से देखने का हमको ना मौका मिलेगा भाई। सो आई एम सो एक्साइटेड भाई। और भाई यहाँ पे साहिल भाई की फोटो खत्म नहीं हो रही यार, ये ना टेढ़ा फोन करके पाउट बना के लड़कियों की तरह फोटो लिए जा रहे हैं। सो फाइनली भाई वाइट पग बन चुकी है गुरी भाई की। और गाइस आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि भाई ये वाला ना चेस्ट बैग ये साहिल भाई का है एंड साहिल भाई ने मेरा वाला बांध लिया भाई बिकॉज ना ब्लैक पे ब्लैक अच्छा लगता, फिर मैंने ग्रे वाला ले लिया। सो उनके आउटफिट पे ब्लैक जच रहा है भाई। और भाई यहाँ देखो चार्जर की कितनी बसट मची हुई है भाई, लिटरली टेलीफोन भी है भाई, बात करनी हो तो कोई बात करेगा क्या? अच्छा रिसेप्शन से बात होती है, घर वालों से बात नहीं होती क्या? मेरे को लगा घर वालों से बात होगी भाई, मैं मिलाने लगा था अभी। तो भाई ऐसा कुछ है, मेरा चार्जर ये रहा, ये गुरी भाई का भाई। सो ऐसे भाई ब्रश वगैरह यहीं पड़े हैं। चलो गाइस मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, मैंने दिखाना आपको क्या है। चलो भाई जल्दी यार गोल्डन टेम्पल दिखाना इनको भाई, कब से वेट कर रहे हैं भाई। कमरे की लाइट बंद कर दिया, अरे भाई उसको तो लेके आ, गुरी को अंदर बंद कर दिया। सो भाई कमरे के बाहर ही रिसेप्शन है भाई एंड भाई यहाँ पे ना एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये देखो भाई फिश टर्टल भी है यहाँ पर, ये देखो भाई है ना, तीन है यहाँ पर, कहाँ गए एक ही रहा भाई। ओ दो और थे ना छोटे छोटे, एक छोटा सा और है, कहाँ गया? दो है वो, दो नहीं एक ही है, दो है गाइस। तीसरा आपको शायद देखिए ये वाला भाई छिपा हुआ भाई, फिश देखते हो भाई कितनी सिरा है यहाँ पर। फाइनली भाई रूम भी लॉक कर दिया है। तो चलो तो भाई हम ना होटल से बाहर निकल चुके हैं एंड फिलहाल जा रहे हैं दरबार साहिब। तो पहले वही ना भाई खाली पेट मथा टेकने का हमारा इरादा है। ऐसे गाइस भूख तो काफ़ी लगी हुई है बट गुरी ने कहा कि कुछ ना बिना खाए हम मथा टेकेंगे। वैसे गाइस जो यहाँ का एरिया ना ऑलमोस्ट लुधियाना जैसा है भाई, जैसे लुधियाना में है भाई ओल्ड ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराने पुराने घर एंड बिजली की तारें। सेल भी यही कह रहा है भाई, ये आप देख सकते हो। सो वैसी गलियाँ ऑलमोस्ट भीड़ी भीड़ी। सो हम वहीं आ चुके हैं जहाँ आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा जो रेड कलर की बिल्डिंग थी, हमको ऑलमोस्ट इतना तो रास्ता याद हो ही गया भाई। सामने देखो भाई सामने बाहर ऐसे ना टूरिस्ट के लिए बनाए हुए हैं घूमने के लिए। और भाई ये है शॉप लेडीज सूट की, फुलकारी टाइप कुछ। और भाई यहाँ पे जूतियों की शॉप आ चुकी है, लिटरली काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप है भाई, क्या आप देख सकते हो भाई। और भाई ये है एंट्री गेट, इसके सामने है म्यूजियम। बहुत से लोग ना खड़े रहते हैं रूम के लिए, ऑटो के लिए, बाघा बॉर्डर के लिए। तो ये भाई भी दिख रहा है, ये भाई खड़े इसलिए है, थोड़ा ऐसे ना अप्रोच करते हैं। रेड कलर की बिल्डिंग पता नहीं क्यों है यार, यहाँ भी वहाँ भी यार, शायद थीम होगी ना सेम सेम। भाई कितनी भीड़ होगी यार, हम सुबह आए थे भीड़ नहीं थी ना तब, अब कितनी भीड़ होगी भाई। चलो भाई चलो, बस थोड़ी दूरी पे और है भाई, उसके बाद देखेंगे दरबार साहिब लाइफ में पहली बार। तो गाइज वहाँ हमारा ऑटो रुका था एंड उसके आगे देखते हो भाई ऐसा कुछ एरिया है, ये रेड कलर की बिल्डिंग है एंड उसके अलावा यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस देखते हो भाई, कितना वॉकिंग प्लेस है ये, काफ़ी रश है एंड बाहर से लोग भी आए हुए हैं एंड ऐसा कुछ है भाई। ये है मदन लाल ढींगरा, ओ अच्छा इनका स्टेचू सिरसा में भी है भाई। और गए जो म्यूजियम है ना, म्यूजियम के अंदर ये रंग पंजाब के रेस्टोरेंट है, लिखा भी हुआ है फार्मर रेस्टोरेंट एंड स्वीट शॉप किसान ढाबा। तो भाई ऐसा सीन है। एंट्री कहाँ सी है दरबार साहिब की? सामने से है क्या? अच्छा यहाँ पे काफ़ी ना अच्छे अच्छे ना वो है रेस्टोरेंट, जैसे वो लिखा हुआ है भाई अंबरसरी फूड स्ट्रीट ढाबा वगैरह लाइक। एंड सफाई देखो भाई कितनी अच्छी है। हम भाई वहाँ से आए हैं और यहाँ जा रहे हैं सामने, अभी हम ना सिर पे बांधने के लिए पटका लेंगे, रुमाल नहीं बांधेंगे, मैं पटका लूँगा। यहाँ आगे मिल जाएंगे, बहुत मिलेंगे। यहाँ पे भाई गर्ल्स स्कूल भी है
श्री गुरु नानक। काफ़ी अच्छा भाई वॉकिंग प्लेस है यार, मैं तो यार इनका फैन हो गया यार। ये देखो भाई काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ चाय पॉइंट द कॉफ़ी बीन, एंड इधर को काफ़ी खुला खुला एरिया सा है भाई। एंड एक और स्टेचू आ गया, मेरे को ना पीछे से लग ही रहा था बट कंफर्म नहीं था, बाबा अम्बेडकर साहिब। सो काफ़ी अच्छा इनका स्टेचू है भाई लिटरली यार। तो वहाँ मार्केट आ जाता है एंड बस यही सीन है गाइस। ये लगभग सारी भीड़ वहीं जा रही है दरबार साहिब। फाइनली भैया हमने ना पटका भी ले लिया, जिनेव एन साहिल ने भी, सो इन आंटी जी से लिया भाई। थैंक यू। ये तो भाई बांधने भी लगे, चलो भाई मैं भी बांध लेता हूँ फिर देखता हूँ कैसा लगता हूँ। मैं ना गुरी से बंधवा रहा हूँ भाई, सही बांधेगा ना, इसको पता है भाई, इसको पता है, हो गया। सो गाइस कमेंट सेक्शन जरूर बताना भाई कैसा लग रहा है, बांध ले भाई जिन्हें कोई बांध दे भाई। साहिल ने बांध लिया अपने आप ही, वाह फाइनली भाई अब सही से बंधा है यार, थोड़ा ना गुरी ने टाढ़ा बांध दिया था यार। अब मैंने सेट किया है यहाँ पे ना गाइस, काफ़ी स्टेचू है भाई जो जंग में शहीद हुए थे सिखों के, ऐसे फौजी टाइप के काफ़ी स्टेचूज है भाई। तो भाई रेड बिल्डिंग तो खत्म ही नहीं हो रही भाई, वो एंड तक है। ये क्या बीच में क्या आई है, स्क्रीन है गई है, चलता हो ना उस पर रात को कुछ। और गाइस यहाँ पे ना बसेस भी हैं ताकि आना जाना आसान हो सके। और भाई मेरे पीछे भी ना काफ़ी भीड़ आ रही है भाई, तो हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है भाई दर्शन करने में। ये एक चौक सा आया भाई, मतलब मैं ना बात बात पे चौक रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे भाई। हमारे सामने ये चौक आया है, इस पे जो ऊपर पर मूर्ति देख रहे हो ना, ये घोड़े पे सवार, ये भाई महाराजा रणजीत जी की, किंग ऑफ पंजाब की। तो मैंने अभी जस्ट ना पूछ के आपको बताया है। तो भाई वहाँ पे काफ़ी ऐसे मार्केट टाइप है एंड यहाँ पे ना काफ़ी ना जैसे टर्बन बांधते हैं टेम्परेरी, जो लोग यहाँ से आते हैं जिनको ना शौक होता है। एंड वो सामने सागर इसरा यानी कि होटल है भाई, और उस टाइम में ना गुरुद्वारा भी एक छोटा सा, तो मैंने देखा था एक वीडियो में। एंड यहाँ पे रिक्शा ऑटो सब सब कुछ मिक्स है भाई। चलो भाई चलो, ये कह रहे हैं कि ना पहले माथा टेकाते हैं बिकॉज लिटरली काफ़ी लेट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ना एक बजने वाला है और हमको वहाँ काफ़ी टाइम लगेगा। चलो भाई आ जाओ। और भाई यहाँ भीड़ देखो यार, कितनी भीड़ हो रखी है ना। सामने है धर्म सिंह मार्केट, अच्छा ये मार्केट है गाइज। एंड यहाँ पे यार गोगल्स हो गए ऐसे सर पे बांधने के लिए, काफ़ी ना ऐसे खुद इंडिविजुअल बंदे खुद खड़े हैं भाई बेचने के लिए, जैसे ये हो गए भाई। एंड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है भाई दरबार साहिब का रास्ता है जो, देखो यहाँ पीछे ना बैरिकेड लगे हुए थे। चलो भाई चलो, ये फुलकारी आई थिंक, फुलकारी तो पटियाले की फेमस है भाई। चलो भाई चलो, ये हम वो कह रहे हैं भाई बाघा बॉर्डर, मैंने कहा भाई नेक्स्ट डे जाएंगे और वो भी ना हम अच्छे से जाएंगे, कहीं हमारे साथ ना फ्रॉड ना हो, बिकॉज ना पैसे ज्यादा मांग लेंगे हम तो लुट जाएंगे भाई यार। भाई वहाँ से ना सीधे सीधे आते हुए ना सामने आ चुका है भाई जलियांवाला बाग, ये देखो भाई। एंड मैंने अभी जस्ट पूछा है किससे कि भाई दरबार से भी यहीं है ना, बिकॉज हमको पता नहीं है, भीड़ जा रही है भाई, हम जा रहे हैं भाई, कहते भाई यहीं है। सो काफ़ी ऊंचे ऊंचे होटल है भाई यहाँ पर, और कहीं आज 26 जनवरी ना कुछ स्पेशल होने वाले हैं भाई, काफ़ी फॉरनर्स भी हैं यहाँ पे, अंग्रेज तो भाई यहाँ पे ना इक्के दुक्के ही हैं, बाकी तो अपनी भीड़ है भाई इंडियंस की। राइट वाले चौक से ना यहाँ पे राइट लेना होगा, भीड़ देखो भाई यार। तो काफी अच्छा हो रखा है भाई प्रदर्शन, एंड गाइस भाई साहब लिटरली गाइस मैंने कहीं भी ना कट नहीं कर रहा, सारा सीन दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं आप लेके आया हूँ आपको आगे भाई, काफी ना ऐसे धूम धड़ाके वाला ना शोर आ रहा है।
यहाँ पे ना भाई जूते उतार देते हैं। फाइनली गाइस हमने शूज निकाल दिए हैं, तो टोकन मेरे पास एंड रूम की चाबी मेरे पास है। कल को कुछ भी होता ना तो भाई साहब ये कहीं के रहेंगे ना, यहाँ आके ना वहाँ आके। सो फाइनली प्रॉपर एंट्री हो चुकी है हमारी हरमिंदर साहिब में, यानी कि दरबार साहिब में। वहाँ सामने है जोड़ा घर, वहाँ से यहाँ आ चुकी हैं। बीच में ये कांच की सी कुछ है भाई, शायद बेसमेंट में जाने के लिए। लिटरली गाइस विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम ना अमृतसर आ चुके हैं, स्पेशली मैं को तो खुद को बिल्कुल नहीं हो रहा भाई। चलो वहाँ सामने है हाथ धोने का। फाइनली गाइस फिलहाल टाइम हो चुका भाई, 4 बज चुके हैं, हम ना अब जाके दर्शन करके आए हैं एंड फिलहाल हम निकल रहे हैं भाई सब लंगर खाने के लिए। हमको ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लग गए भाई लाइन में। चलो भाई चलते हैं लाइन में, 1.5 घंटा तो लाइन में लग गया है, लाइन में काफी टाइम लग गया। फाइनली गाइस हमने लंगर भी खा लिया भाई, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया एंड फिलहाल हम निकल रहे हैं भाई होटल के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट हम 5 बजने वाले हैं, तो वापस भी आना हमको 8 बजे तक। तो चलो भाई होटल चलते हैं। फाइनली भाई दरबार साहब से बाहर भी आ चुके हैं एंड शूज भी पहन लिए हैं। लाल भाई हम जाएंगे उसी रास्ते से होके होटल की तरफ। सो फाइनली गाइस होटल में भी आ चुके हैं भाई, ये अपन नीचे वाला रूम, चलो भाई खोलते हैं इसको। फाइनली गाइस रूम में आ चुके हैं और गाइस आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये भाई जब तक इसमें की नहीं लगाते ना लाइट्स ऑन नहीं होती, जैसे निकालूंगा ना तो ऑफ हो जाएंगी, देखो लाइट्स ऑफ हो चुकी है। ये भाई कितनी लाशें पड़ी है इस पर, अब ना ऑन हो जाएगी लाइट, 3-2-1 ये देखो भाई। ओ भाई अभी तो यहाँ पे 3 लाश पड़ी थी, 2 कैसी होगी। तो गाइस फ्लैट टाइम हो चुके हैं, 5:30 हो चुके हैं, मस्त हम ना दर्शन करके आ चुके हैं। लिटरली गाइस हमको काफ़ी अच्छा लगा भाई, लिटरली पहली बार ऐसा फील हुआ कि हाँ भाई हम ना किसी भगवान के घर में गए हैं, वैसा कभी भी कहीं और फील नहीं हुआ भाई। लिटरली गाइस जब मैं अंदर गया था ना गुरुद्वारा साहिब के, वहाँ 1st फ्लोर पर गया, 2nd फ्लोर पर गया, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को ना सरप्राइज लग रहा था कि भाई आज तक ना फिल्मों में वीडियोज़ में देखा है, लाइव देखना तो मैं ना कब कर गया था। लिटरली हम चारों चौंके थे भाई, आंखों में ना शाइनिंग सी थी भाई, काफ़ी मज़ा आया भाई। हम फिर जाएंगे रात को नाइट व्यू देखने के लिए। और गाइस इन सब के अलावा ना आपको ना एक बात कहना चाहता हूँ, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने वहाँ पे वीडियो बना रहा था ना, तो मैंने वहाँ ना व्लॉगिंग करने लग गया, जो कि एक्चुअली अलाउड नहीं है वहाँ पे खुद की वीडियो बनाना गुरुद्वारा साहिब जी के साथ।
सो मैं वहाँ वीडियो बनाता था, मेरे को ना वहाँ पे ना ऐसे मतलब कहते कि वीडियो मत बनाओ, जो मेरी वीडियो थी ना वो भी डिलीट कर दी, और गलती से भाई जो मैंने पहले कुछ एक दो सीन शूट किया था ना वो भी कर दिया। चलो कोई ना, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे करना अच्छी बात नहीं है, कहीं जाओ तो पूछो पहली बात, तो एक दो बातें और बताई, तो काफ़ी उन्होंने ना मतलब कि ऐसे ज्ञान की बातें बताई, उनकी जो हिस्ट्री है पूरी। और आपको ना एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा गाइस, अगर आप जब भी हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में जाओ ना भाई, तो आपने वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहाँ जाके अपना फोटो क्लिक करवा सकते हो, बिकॉज वो इसलिए कि आप ना काफ़ी दूर से आते हो, तो सिर्फ ना फोटो में कुछ नहीं होता, हाथ जोड़ के एक ना श्रद्धा भाव से आप फोटो खिंचवा सकते हो, वैसे ऐसे ना डिफरेंट पोज से ऐसे ना मतलब हरकत नहीं करनी कोई भी, करेंगे ना तो भाई साहब बाबा जी होते हैं पकड़ लेते हैं, और थोड़ा ना सही सीन नहीं होता। सो आप भी ना कहीं भी जाओ इस जगह पे, पहली बात तो पूछो वीडियो बनाना अलाउड है नहीं है, पहली थिंग ये है। दूसरी चीज़ ये कि भाई उस जो गोल्डन टेम्पल है उसका नाम गोल्डन टेम्पल ना कह के श्री हरमिंदर साहिब जी गुरुद्वारा कहना चाहिए। तो अभी ऑलमोस्ट ना सभी थक चुके हैं, बिकॉज जो दर्शन करने में जो टाइम था ना भाई 1.5-2 घंटे ना वहाँ लाइन में खड़ा होना, और उसके अलावा भी हम ना काफ़ी घूमे फिरे, सो हमको ना काफ़ी थकान हो चुकी है। एंड हमारा आइडिया यही था कि भाई हम ना रूम पे आके दोपहर में ना तो हम रेस्ट कर लेंगे, दोपहर तो हमारी ना वहीं बीत गई, अब फिलहाल शाम को आ चुके हैं यहाँ रेस्ट करके, नाइट व्यू के लिए फिर से निकलेंगे, और ना इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो होगा भाई नाइट व्यू के लिए, तो वो उसके लिए हम रात को निकलेंगे। सो स्वागत इस व्लॉग का, इंडिया था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड चैनल पे चैनल सब्सक्राइब करना, जिसके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय, टेक केयर, बाय गाइस। झूठे वादे सही दिल से निभाना कभी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कभी।